सो शिलोंग जाने वाले सब बस यहाँ से चले गए हैं. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैव टू टेक अ कैब. Like a bird on a tree. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल. आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोरर विशाल. गाइस, मुझको लग गया है एडिक्शन. इट इज़ ऑल अबाउट माय ट्रेवल एडिक्शन. ये ट्रेवल एडिक्शन मेरा इतना बढ़ चुका है, फिर से मैं इसके लिए छोड़कर जा रहा हूँ मेरा घर, इसके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ मेरा काम. येस गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू ब्यूटिफुल प्लेस जिसको बोला जाता है स्कॉटलैंड. बट गाइज, इट इज़ नॉट द स्कॉटलैंड ऑफ यूरोप. आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट इज़ कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज Shillong. Yes guys, this is my train, Saraighata Express, and the fare of the ticket of the train is only 500 rupees. Right now I'm standing in the Howrah station, that is one of the most biggest station in India, and this is my train. Mujhko jana padega kal subah. I will reach at Guwahati station. Wahan se mujhko pakadna padega. By road I have to go to Shillong. So chaliye guys, ghoom ke aate hain Shillong. Sometimes you need to go take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. मॉर्निंग का टाइम है, सो यू कैन सी दैट इज आई एम सिटिंग इन दिस विंडो सीट. एंड बाहर का जो वेदर है, इट इज सच अ ब्यूटीफुल वेदर इवन आई हैव सीन. थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, इसीलिए वेदर में थोड़ा सा मॉइस्चर भी है. सो विद दिस मॉर्निंग कॉफी आई एम एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. दोस्तों, अभी थोड़ा सा ब्रेक है, आप देख सकते हो मेरा जो ये ट्रेन है अभी थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पर. ये है स्टेशन का नाम दूधमई स्टेशन. सो दैट इज गोना बी अ सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर. ट्रेन छूटने वाला है, सो आई हैव टू गेट इन अगेन एट द ट्रेन. दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गुवाहाटी जंक्शन. गुवाहाटी असम का कैपिटल. आप देख सकते हो जस्ट अभी आई हैव गेट इन फ्रॉम द ट्रेन. अभी मुझको यहां से कैब लेना पड़ेगा टू गो शिलोंग. तो यहां से डायरेक्टली शिलोंग का भी कैब मिलता है, बट मुझको पता चला, आई हैव डन सम रिसर्च ऑन इट, मुझको यहां से जाना पड़ेगा पल्टन बाज़ार. ये पल्टन बाज़ार एक छोटा सा जगह है, एक बाज़ार है जहाँ से मिल जाता है डायरेक्टली बस और एनी कैब टू डायरेक्टली आई कैन गो टू शिलोंग. अभी मैं
खड़ा हूँ यहाँ का जो बस स्टैंड है गुवाहाटी स्टेशन के पास ही है बस स्टैंड आप देख सकते हो बहुत सारे बस यहाँ पर खड़े हुए हैं ऑल दिस बस फ्रॉम द आसाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बस नहीं है मैं आया हूँ दिस इज द टाइम अराउंड 11 o'clock सो शिलोंग जाने वाले सब बस यहाँ से चले गए हैं सो मुझे क्या करना पड़ेगा हैव टू टेक अ कैब सो देखते हैं और क्या सब्स्टिट्यूट ट्रांसपोर्ट है शिलोंग जाने के लिए Guys, for the time I could not book the bus, तो बस नहीं मिला इसलिए मुझको लेना पड़ा ये कैब ये शेयर में लिया मैंने तो मुझको पड़ा ओनली 400 rupees बस से आते तो हो जाता 130 से बट कैब लिया इसलिए 400 rupees पड़ रहा है बट इट इज़ द मेन फैक्ट ऑफ सोलो ट्रेवलिंग इट इज़ द फैक्ट ऑफ द जर्नी आप सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो तो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है लेट्स सी आगे आगे होता है क्या सरदार जी का ढाबा में तो मैं लिया है कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स सो सोलो ट्रैवलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कभी भूखा पेट नहीं रहना है क्योंकि अगर आप भूखा पेट रहोगे ना तो यू कांट एंजॉय द एंटायर जर्नी सो क्या करना पड़ेगा जब भी भूख लगे पेट भर के खा लीजिए एंड एंजॉय करिए आपका जर्नी को शिलोंग पर थोड़ा सा टायर्ड हो गया था दैट्स आई कुड नॉट मेक द वीडियो यू कैन सी दैट इज मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ होटल में दिस इज माय होटल रूम नहीं है रिसेप्शन है एंड दिस इज द मैनेजर ऑफ आवर होटल ओके व्हाट्स योर नेम आपका नाम क्या है गोविंदा वर्मन ये होटल का जो मैनेजर है होटल का नाम है होटल मेघालय यहाँ पर मुझको मिल गया बहुत सस्ते में रूम एक एक रूम का कॉस्ट है यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 से 800 rupees और मैं रूम लिया हूँ यहाँ पर जो शिलोंग का जो मेन टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट रहते हैं इस जगह का नाम है पुलिस बाजार तो अगर आप शिलोंग में आ रहे हो आप यहाँ पे आ सकते हो ट्राई कर सकते हो ऑफ सीजन में आ रहे हो ये रूम सस्ते में 700-800 में आपको भी मिल जाएगा आपको दिखाते हैं मेरा रूम कैसा है यस गाइस दिस इज माय रूम और रूम तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट 700-800 में आप ज़्यादा बड़ा रूम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो बट ये देख सकते हो दिस इज माय बेड या दिस इज मिरर और दिस इज द यू नो जस्ट लाइक आवर यू नो एंट्री एंड एग्जिट एंड ये टॉयलेट का दरवाज़ा है सो ठीक ठाक है एज अ सोलो ट्रेवलर आई पर्सनली बिलीव दैट मेरा इतना कोई फैसिनेशन नहीं है यहाँ पर रह सकता हूँ यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ जो भी मिले अल्लाह मालिक है एंड वट एवर ही गिव्स आई टेक इट तो चलिए दोस्तों ये था पूरा मेरा जर्नी कोलकाता से शिलोंग तक अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो